चलो शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर 5 इंटीग्रल्स का। ये लेक्चर नंबर 1 है। आज हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग सीखे क्या हैं। तो अभी तक हम लोग सीखे हैं डिफरेंशिएशन निकालना, जैसे डेरिवेटिव निकालना हम लोग सीखे हैं। कोई फंक्शन है वाई, ठीक है, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। ओके, अब मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब तो आपको पता है ना, ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो स्लोप, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप, ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप। तो आप डिफरेंशिएशन निकालना सीख गए, आप स्लोप निकालना सीख गए। फंक्शन जब आपको पता है तो, ठीक है, फंक्शन आपको पता है y बराबर एफ एक्स, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स को इधर लिख देता हूँ, एफ एक्स को आपने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स निकला। ये हम लोग कब करते हैं, जब हमको फंक्शन पता है तब हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, मतलब स्लोप निकाल लेते हैं। अब हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा केस हो कि हमको स्लोप पता है, मतलब हमको डिफरेंशिएशन पता है लेकिन हमको फंक्शन नहीं पता है। तो जो इसका उल्टा प्रोसेस होगा, मतलब आप स्लोप से जब आप फंक्शन निकालेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एकदम आराम से समझना है आपको, स्लोप पता रहेगा। और पहले तो डिफरेंशिएशन में आपने ये सीखा कि आपको फंक्शन पता है, फंक्शन से आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, मतलब स्लोप निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, स्लोप से वापस फंक्शन निकालना है, स्लोप से वापस फंक्शन निकालना, मतलब डिफरेंशिएशन से वापस आपको फंक्शन निकालना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ जैसा कि देख सकते हैं, याद रखेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये नोट कर लेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं अपने स्टाइल में थोड़ा समझाता हूँ आप लोग को। जैसे हम लोगों ने फादर को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फादर एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो सपोज हमको मिल गया सन, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। ओके, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में आप लोग याद रखेंगे दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। तो अभी हम लोग इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इसके बाद डेफिनिट पढ़ेंगे, उसमें आपको लिमिट दिया रहेगा कि कहां से कहां तक। तो अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है सन का विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स, तो ये क्या मिलेगा, फादर। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन बताता है, जैसे आपको यहां डिफरेंशिएशन में पता चला कि फादर का डिफरेंशिएशन सन है, तो इंटीग्रेशन क्या बताएगा, इंटीग्रेशन ये पूछेगा कि इसका फादर कौन है, इसके फादर कौन है, इसके पिता कौन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ये बताएगा कि इसके, इस बेटे के पिता कौन है, ठीक है, फादर कौन है। तो मतलब ये जा रहा है फादर से सन, और ये कहां से आ रहा है, सन से फादर, मतलब इधर से इधर आने वाला जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक। तो अब अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स पूछा जाएगा,
तो आप लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स। मतलब इंटीग्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन में हम क्या देखते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का। तो आंसर इज साइन एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। याद रखेंगे डिफरेंशिएशन पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन में आपको स्लोप मिलता है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मतलब इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एकदम सिंपल, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल मैं पढ़ा सकूँ, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के नहीं, जितना काम का है उतना आपको पता चले। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव। फिर से बोल रहा हूँ, अगर फादर में, अगर फादर का डिफरेंशिएट करके आप सन मिलता है आपको, तो सन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सन का इंटीग्रेशन मतलब सन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो सन का एंटी डेरिवेटिव फादर। बात समझ आई, इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अच्छा हाँ, यहां पे अगर फादर का इंटीग्रेशन कोई पूछे, फादर का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं कि फादर किसका डिफरेंशिएशन है। तो मतलब घुमा फिरा के इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे बोले, बस ये समझिए इंटीग्रेशन में क्या बताना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब वो किसका डिफरेंशिएशन है, सन किसका डिफरेंशिएशन है वो बताना है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है। अब जैसे आप देखिए, मेन बेसिक फॉर्मूला मैं बता दूं, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, क्या सीखा था आपने एक्स के रेस्पेक्ट में, कि एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर अभी जो आपने बताया वो कहाँ आ रहा है, चलिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, ये नोट कर लिया आपने, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x का पावर n के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, 1 बाई n प्लस वन बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, एन प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, जो पावर है उसका, जो पावर है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन प्लस वन का मल्टीप्लाई और एक्स का पावर, जो पावर है उसमें से वन माइनस, तो एन प्लस वन है यहाँ पावर, इसमें से एक माइनस कर दीजिए, ये एन प्लस वन, एन प्लस वन ख़त्म, तो एक्स का पावर क्या बचा यहाँ, एन बचा, ठीक है, एक्स का पावर यहाँ क्या बचा, एन बचा। अच्छा अब देखिए, यही तो मैंने सिखाया था ना कि एक्स का पावर एन का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव देखना है, मतलब ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो एक्स का पावर एन किसका डिफरेंशिएशन है, इसका, इसी का है ना, एक्स का पावर एन किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स का पावर एन किसका डिफरेंशिएशन है, इसका, इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल, डिफरेंशिएशन मिल रहा है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिल रहा है, एक्स का पावर एन। तो अब कोई आपको एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन पूछे, मतलब आपको देखना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये आंसर। अच्छा जहाँ भी इंटीग्रेशन लिखा रहेगा वहाँ पर हम लोग प्लस सी कर देंगे, मैं ये भी आपको समझाता हूँ कि प्लस सी क्यों करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट हर इंटीग्रेशन में ऐड होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 290 में फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक साइड में डिफरेंशिएशन लिखा है, एक साइड में इंटीग्रेशन लिखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, दिखा दूं, जैसे देखिए, जैसे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ
sec स्क्वायर x पूछ दे x के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप क्या देखेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, एंटी डेरिवेटिव मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का। तो इसका आंसर हो जाएगा tan x, एकदम सिंपल। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। भाई sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जहां इंटीग्रेशन की बात हो वहां आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एंटी डेरिवेटिव। मतलब आपको ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, वही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, tan x लिए। अब अगर अभी आपसे पूछ दूं, मैं अभी जितना आपने पढ़ा है उसमें मैं आपसे पूछूं कि बताइए tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी आप इसको नहीं बता सकते हैं, अभी जितना पढ़े हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी आप नहीं बता सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन में आप क्या देखते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन में आप क्या देखते हैं, किसका डिफरेंशिएशन। तो आप याद कीजिए tan x किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं है, आप पूरा ऊपर से नीचे उठा के देखिए फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला है किसी का भी डिफरेंशिएशन tan x नहीं है। तो आप tan x का इंटीग्रेशन नहीं बता सकते हैं कि tan x का, क्योंकि वो किसी का डिफरेंशिएशन अभी आपको नहीं पता है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये प्लस सी यहां लिखते हैं ना, तो प्लस सी का क्या कॉन्सेप्ट है। सर आप प्लस सी क्यों लिख रहे हैं, चलिए उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है, अच्छा हाँ, ये एक आध चीज आप लोग याद रखेंगे कि जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स है डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा इसमें जो एफ एक्स है, इसमें जो एफ एक्स है ये, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड बोलेंगे आप लोग, ठीक है। और एक्स एक्स एक्स, इसमें एक्स क्या है, तो एक्स इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अब उसके बाद फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेट, ठीक है। कांस्टेंट को कोई रियल नंबर सी ऐड कर देते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, ये सब तो आप लोग को पता है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सी क्यों हम लोग ऐड करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा ज्योमेट्रिक वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई आपको फंक्शन दिया है टू, या सपोज मान लीजिए टू एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब देखिए टू बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे x का पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, तो ये क्या होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स का पावर 2, अभी पावर क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 2, 2 2 कैंसिल, और प्लस सी अभी आप नहीं कर रहे हैं, मत कीजिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, अभी तो मैंने इंटीग्रेशन करके आपको दिखाया है, ये इंटीग्रेशन करके दिखाया मैंने अभी आपको। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन करने जाते हैं 2x dx का, तो आपको क्या देखना है कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अगर आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये भी 2x आएगा। फिर अगर आप x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2x होगा। अगर आप x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये भी क्या हो जाएगा,
2x हो जाएगा। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 100 का करें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक, तो हमको देखना क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो आपको क्या देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। क्लियर हूं मैं, समझ आ रहा है? 2x का अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछता है, तो आपको ये देखना है कि ये डिफरेंशिएशन किसका है, एंटी डेरिवेटिव वाला प्रोसेस। तो 2x किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग बोले x स्क्वायर का भी है, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 का भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 2 का भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 3 का भी 2x है, और x स्क्वायर प्लस 100 का भी 2x है। तो अगर सिर्फ हम लोग यहां पे x स्क्वायर लिख दें, तो इतने से अपना जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई x स्क्वायर का भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 1 का भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 3 का भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 4 का भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 2 का भी 2x है, x स्क्वायर प्लस 100 का भी 2x है। बात समझ आ रही है? तो इतना लिखना काफी नहीं होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि यही वाला इसी का डिफरेंशिएशन है, ये कैसे आपको नहीं पता है? तो इसीलिए आप यहां पे क्या करते हैं, प्लस सी लगा देते हैं। देखिए, सिंपल बोलने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये किसका डिफरेंशिएशन है ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाख का भी है। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दें, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। सी क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। सी जीरो भी हो सकता है, अगर इसका इंटीग्रेशन है ये, तो सी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में कुछ भी नहीं है, तो मतलब प्लस जीरो। अगर वन है तो सी के जगह पे वन आ जाएगा, टू है सी के जगह पे टू आ जाएगा, थ्री है तो थ्री आ जाएगा, वन लाख है तो वन लाख आ जाएगा, हंड्रेड है तो हंड्रेड आ जाएगा, फिफ्टी है तो फिफ्टी आ जाएगा। तो ये बस मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि यहां प्लस सी क्यों लिखते हैं। अब आप देखिए इसको मैं, अच्छा मिटालने से पहले एक काम करता हूं मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मैं आपको इसको आप लोग नोट करेंगे कि 2x dx रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। 2x इंटीग्रेशन 2x प्लस dx रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। इसकी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस c। इसमें ये इंटीग्रेशन 2x dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखेंगे रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये अपना फंक्शन क्या आया, फंक्शन आया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैं यहां पे लिख रहा हूं फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, ये पैराबोला बनाएगा। अब when c इज इक्वल टू जीरो, अब आप देखिए एक सेकेंड, ऐसा u जैसा बनता है कुछ इस टाइप का बनेगा। ये किसका है, y बराबर एक्स स्क्वायर। यहां पे इस केस में c बराबर क्या है, जीरो है, कांस्टेंट कुछ है ही नहीं क्योंकि ये जीरो से जा रहा है। अच्छा, अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, इसको लिख लेते हैं। अच्छा, अगर c जब वन रहे, यहाँ c बराबर जीरो है, अब c वन रहेगा तो यहाँ वन से होके जाएगा, इस टाइप से कुछ जाएगा। ये बस समझाने के लिए, ये क्या है, c बराबर वन के लिए है, वन से होके जाएगा, c बराबर टू के लिए यहाँ से जाएगा, c बराबर थ्री, जो भी है ये आप लोग देख लेंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब c के जगह पे आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से आपका पैराबोला आता जाएगा। बात समझ आ रही है, उसके हिसाब से आपका पैराबोला। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, या ये एक्स स्क्वायर प्लस सी किसके बराबर है,
इसके बराबर। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखिए सबका स्लोप सेम होगा। सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, सब एक दूसरे के पैरेलल, सब एक दूसरे के पैरेलल। तो किसी एक पॉइंट पे सबका स्लोप ले लीजिए तो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये सारे कर्व का डिफरेंशिएशन तो सेम है, सारे कर्व का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x, ठीक है, सबका डिफरेंशिएशन सेम, मतलब सबका स्लोप सेम है, क्लियर है। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है ये x square का भी हो सकता है, x square plus 1 का भी हो सकता है, x square plus 2 का भी हो सकता है, x square plus 3 का भी हो सकता है, x square plus 4 का भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो टर्म है इंटीग्रेशन 2x dx इज इक्वल टू x square plus c, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इंटीग्रेशन करना मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना। अब जैसे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि सपोज मैंने लिखा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है एक्स के रेस्पेक्ट में वो क्या है, कॉस एक्स है, और मैंने ये लिखा और मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। हर इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट में सी ऐड करेंगे आप लोग, ठीक है, इनडेफिनिट में। डेफिनिट क्या होता है, जब लिमिट दे देगा, जैसे 2 से 1 बोल दिया ऐसे, तो ये डेफिनिट है, इसमें लिमिट नहीं दिया है तो इनडेफिनिट है। तो हर इंटीग्रेशन में आप प्लस सी ऐड करेंगे। अब प्लस सी यहां से तो मैंने समझा दिया क्यों ऐड किया मैंने। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है। अब देखिए अगर साइन एक्स प्लस वन रहे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, वन का हो गया जीरो। फिर उसके बाद साइन एक्स प्लस फाइव, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और फाइव का जीरो। तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या देखते हैं कि कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉस एक्स साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स प्लस वन का भी है, प्लस वन एंगल में नहीं याद रखेंगे इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। फिर साइन एक्स प्लस फाइव का भी डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग कोई एक आंसर कैसे देंगे, बात समझ रहे, हम लोग कोई एक फिक्स आंसर कैसे दें भाई, क्योंकि ये साइन एक्स का भी है, साइन एक्स प्लस वन का भी है, साइन एक्स प्लस टू का भी है, ये प्लस वन प्लस टू में जो बोल रहा हूँ वो एंगल में नहीं ऐड है, पूरे साइन एक्स में ऐड है, साइन एक्स में ऐड है। तो हम इतना सारा हो सकता है पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं। क्लियर है, समझा पा रहा हूं मैं अच्छे से, प्लस सी लिख देते हैं हम लोग, बात खत्म। कि भाई अब आप देख लीजिए सी जो भी हो, 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 100 हो 50 हो 1 लाख हो 2 लाख हो 115 हो, जो भी हो अब आप देख लीजिए। रीजन है हमारे पास प्लस सी लिखने का, वो रीजन समझ आया, आपको इंटीग्रेशन कॉस डी एक्स पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन में आपको क्या लिखना है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो हम लोग देखते हैं वो किसका डिफरेंशिएशन है, एंटी डेरिवेटिव। तो भाई वो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स प्लस वन का भी है, साइन एक्स प्लस फाइव, ऐसे कुछ भी नंबर प्लस में होगा सबका है वो कॉस एक्स, कॉस एक्स सबका डेरिवेटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग कौन सा एक चुन के लिखें, क्यों हम लोग साइन एक्स प्लस वन लिख दें, क्यों हम लोग साइन एक्स प्लस फाइव लिख दें, क्यों हम लोग साइन एक्स लिख दें, इन तीनों में से कोई एक क्यों चुने, इसीलिए हम लोग प्लस सी लगा देते हैं। बात समझ आ रही, ये प्लस वन प्लस फाइव, तो जो प्लस हो रहा है वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग प्लस सी लिख देते हैं। और यहां पे क्या बता देते हैं कि सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। मैंने जो आपको फैमिली ऑफ कर्व की बात बताई वो आप लोगों को समझ आया अच्छे से, फैमिली ऑफ कर्व की जो बात बताई मैंने आपको वो बात अच्छे से आप लोगों को समझ आई। फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका ग्राफ बना के मैंने आपको बता दिया तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, 2x dx इंटीग्रेशन बराबर x square plus c। मैंने इसी को बोला है ये क्या है, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। क्यों, क्योंकि सी के जगह पे जीरो रखेंगे तो ओरिजिन से पास होगा आपका पैराबोला,
सी के जगह पे वन रखेंगे तो वाई एक्सिस पे वन से पास होगा आपका पैराबोला, सी के जगह पे टू रखेंगे तो वाई एक्सिस पे टू से पास होगा, थ्री से थ्री रखेंगे थ्री से पास होगा, फोर रखेंगे फोर से पास होगा, लेकिन सब क्या रहेगा एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, मतलब स्लोप सबका सेम होगा, मतलब डिफरेंशिएशन सबका सेम होगा। डिफरेंशिएशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो आप एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस जीरो रखें, एक्स स्क्वायर प्लस वन रखें, एक्स स्क्वायर प्लस टू रखें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रखें, एक्स स्क्वायर प्लस फोर रखें, या एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रखें, या एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट नंबर रख दें, सबका डिफरेंशिएशन यही आना चाहिए, सबका डिफरेंशिएशन यही आना चाहिए। एक और चीज आपको बता दूं, जैसे आपको चेक करना है कि आपने इंटीग्रेशन सही किया है कि नहीं, ठीक है, अगर आपको चेक करना है इंटीग्रेशन आपने सही किया है कि नहीं, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये आना चाहिए, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और सी का करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, मतलब सही है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सी का जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, है टू एक्स, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन का जो आंसर है, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आना चाहिए आंसर, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे थे वो आना चाहिए। ये चेक करने का तरीका आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कहीं पे आपको बोल दे कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स या टू एक्स, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये पूरा डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू निकालिए बाहर, एक्स डी एक्स इजिकल्स टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर फोर बाई फोर, ठीक है, फिर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, फॉर्मूला लगा दिया मैंने एक्स का पावर एन प्लस वन वाला, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन बराबर एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो ये क्या आ गया, एक्स का पावर फोर बाई फोर प्लस टू टू खत्म एक्स स्क्वायर। तो बोलने का मतलब क्या है, हम लोग इंटीग्रेशन में क्या देखते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है, बेसिकली यही सीखे हम लोग, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन। अब आपको डाउट है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, एक्स का पावर फोर, तो ये क्या हो जाएगा, फोर इंटू एक्स का पावर फोर माइनस वन थ्री अपॉन फोर, मैं बस इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अब इसका डिफरेंशिएशन प्लस टू एक्स, तो फोर फोर खत्म, क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स आ गया, मतलब आपका इंटीग्रेशन सही आया है। ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो आपको अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप क्या देखेंगे, ये किसका डिफरेंशिएशन है, वही इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ, या जो बोले रिवर्स प्रोसेस ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन। इसको आप लोग उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर से बोल रहा हूँ नोट कर लेंगे कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन में फंक्शन से स्लोप पे जाते हैं तो इंटीग्रेशन से स्लोप से फंक्शन, इंटीग्रेशन में आप स्लोप से फंक्शन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। या ऐसे भी याद रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मींस एंटी डेरिवेटिव, मतलब उसका उल्टा प्रोसेस। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है कुछ बहुत कुछ खास नहीं है, बेसिक है, एक आपको प्रूफ करके देख लेंगे, ठीक है। लिखिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। फर्स्ट लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ इच अदर इन द सेंस ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट। क्या फॉलोइंग रिजल्ट सेंस में, तो देखिए d बाई डी एक्स किसका, ऑफ इंटीग्रेशन
एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोलेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ऐसा होता है। देखिए आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन एफ एक्स का, तो आपको देखना है कि एफ एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। सपोज कोई, या इतना अगर जूझने का जरूरत ही है ना, तो मैं सीधा बोल रहा हूं कि देखिए ये डिफरेंशिएशन लिखा है, उसके बगल में इंटीग्रेशन लिखा है। जैसे आपको लिखा है ए और ए इनवर्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन। ये ऐसे ही समझाने के लिए, ए का इनवर्स है, ए का पावर माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा वन। तो यहां पे अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, खत्म हो जाएगा मतलब ऐसे कटा नहीं देंगे, ठीक है। क्या बचेगा आपका, एफ एक्स बच जाएगा। और यहां देखिए ये क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है एफ एक्स का। एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स। अब देखिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ डैश एक्स का, तो आपको ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर इज एफ एक्स। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ, प्रूफ कैसे किया जाए इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, कैपिटल एफ क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, जिस स्मॉल एफ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स निकालें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये जो लिखा है इसने यहां पे कि एफ इज, कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ, मतलब स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कैपिटल एफ एक्स को, तो आपका क्या आ रहा है, स्मॉल एफ एक्स आ रहा, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स। तो इसीलिए लिखा है हमने यहां पे एफ इज फंक्शन, एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन स्मॉल एफ, ठीक है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स का। या इसी बात को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एफ इज, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये एफ एक्स डेरिवेटिव है कैपिटल एफ एक्स का, इसका मतलब क्या है, कैपिटल एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव है इसका। देखिए एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये, तो ऐसा उल्टा आएंगे, ये ऐसा गए आप तो डेरिवेटिव मिला, तो ऐसा आएंगे तो एंटी डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये भाई साहब जो हैं इन भाई साहब के एंटी डेरिवेटिव हैं, आप ऐसे गए तो डेरिवेटिव मिला एफ एक्स, ये डेरिवेटिव है किसका, कैपिटल एफ एक्स का, तो स्मॉल एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, यहां से यही पता चल रहा है, स्मॉल एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स। इसी बात को हम लोग ऐसे गए तो हम लोग बोल दिए कि भाई स्मॉल एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ये दिख भी रहा है कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं तो स्मॉल एफ एक्स आ रहा है। अब अगर हम इसी प्रोसेस को उल्टा करें तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको कि एफ इज, कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया, जिनको नहीं समझ आया इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ये देख लिया आप, देन
इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स डी एक्स, तो आप आंख मूंद के क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। भाई इंटीग्रेशन में यही चीज तो सिखाया था ना कि अगर आप एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव कौन है। तो स्मॉल एफ एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, कैपिटल एफ एक्स का, तो वही इसका इंटीग्रेशन, और प्लस सी लगाते हैं। हम लोग आमने सामने रहते हैं तो इंटरेक्शन होता है, पता चलता है, पॉइंट पे क्वेश्चन होता है, लेकिन ये वीडियो में नहीं पता चल पाता है। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिनको नहीं समझ आ रहा हो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आप अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स का मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डे, तो हम लोग पहले ही यहाँ लिख चुके हैं कि ये, पहले ही अज्यूम कर ली कि ये कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो ये जिसका डेरिवेटिव है इसका इंटीग्रेशन वही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या प्रोसेस है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का, एंटी डेरिवेटिव का प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखिए, अब अगर ये हो गया यहाँ तक, मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ, अच्छा रुक जाओ, अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दूँ, अगर मैं कर दूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमको, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन कर दे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा डी, अब ये देखिए ये कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे स्मॉल एफ एक्स, और इधर क्या लिख देंगे डी बाई डी एक्स जो है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, आ गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, यही मैं समझा रहा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा डायरेक्ट हम लोग नहीं बोलते हैं कैंसिल हो जाता है, ये करके दिखाया मैंने आपको कैसे आया, देख लीजिए। फिर से मैं आपको इस चीज शुरू से आपको बता देता हूं कि मैंने यहां पे कोई फंक्शन मान लिया है कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, हमने ये लिखा, इसका मतलब यही है कि कैपिटल एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव है, कैपिटल एफ एक्स, देखिए ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव, तो कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे क्या किया है, अब मैं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स निकाल रहा हूं, तो हमको ये देखना है कि ये स्मॉल एफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, वही इसका इंटीग्रेशन होगा, तो स्मॉल एफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, कैपिटल एफ एक्स का, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी हम लोग लगाते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों लगाते हैं। अब हम लोगों ने इसी इक्वेशन, इसी एक्सप्रेशन को क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दिया मैंने, इधर भी इधर भी, तो इधर वाले को मैंने वैसे ही रहने दिया, इधर को तोड़ा मैंने, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किए, तो डी कैपिटल एफ एक्स बाई डी एक्स, तो डी कैपिटल एफ एक्स बाई डी एक्स क्या है स्मॉल एफ एक्स, इसके जगह पर लिख दिया, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपका प्रूफ हो गया, सेकंड वाले को भी आप लोग वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे देख लीजिए, कि देखिए एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का, बात समझ आई, डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का। अगर आप फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन
डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। अगर आप ऐसा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग को पता है ये पूरा किसका डेरिवेटिव है भाई, डी बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ डी एक्स लगा लीजिए, डी बाई डी एक्स एफ एक्स किसका डेरिवेटिव है, एफ एक्स का डेरिव, भाई एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ एक्स प्लस सी, भाई डी बाई डी एस डी एक्स एफ एक्स मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब हमको यहाँ क्या देखना है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये जो है आपका ये किसका डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये, ध्यान से देखिए हम डायरेक्ट यहां सिंपल है, कुछ जाना ही नहीं पीछे, ये किसका डेरिवेटिव है, एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स, और प्लस सी लगाते हैं, हम लोग सीखे हैं तो प्लस सी लगा लिया हम लोगों ने यहां पे, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ हो गया आपका, अब ये प्रॉपर्टी वन हो गया। प्रॉपर्टी टू बता देता हूं आपको, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कहाँ क्या, हाँ, टू इनडेफिनेट इंटीग्रल विद सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। ये भी कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत यूनिक बात नहीं बोल रहा है, ठीक है, इसको छोड़िए, समझ आ रहा क्या बोल रहा है, टू इनडेफिनेट इंटीग्रल्स विथ सेम डेरिवेटिव लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व, मतलब जैसे अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन 2x, टू डेफिनेट इंटीग्रल, तो हम लोग 2x हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख लिया जाए, सेम डेरिवेटिव, मतलब दो अलग, जैसे इंटीग्रेशन 2x आप लोग किए थे dx, तो इसको क्या लिखा था आप लोगों ने, एक हो सकता है x स्क्वायर, एक हो सकता है x स्क्वायर प्लस वन, एक हो सकता है x स्क्वायर प्लस टू, मतलब आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा ये आएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा ये आएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा ये आएगा, तो यही बोल रहा, ये देखिए ये क्या है, सेम फैमिली ऑफ कर्व, सेम फैमिली ऑफ कर्व, यही बोल रहा है ये, कि टू इनडेफिनिट, यहां थ्री ले लिया मैंने, दो ही मानते हैं, टू इनडेफिनिट, टू इनडेफिनिट इंटीग्रल्स विथ सेम डेरिवेटिव, टू इनडेफिनिट इंटीग्रल विथ सेम डेरिवेटिव, विथ सेम डेरिवेटिव, ठीक है, लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, ये बोल रहा था। चलिए अब थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड भाई साहब कुछ खास नहीं है, थर्ड ये बोल रहा है, थर्ड ये बोल रहा है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं तोड़ के, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ये अंडरस्टूड है, कुछ बहुत महंगा नहीं है, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं कुछ कांस्टेंट के इनटू एफ एक्स डी एक्स का, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स रहेगा, ये सब सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ खास तो है नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल वन करते हैं, एग्जाम्पल वन करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वन, तो वन में क्या बोल रहा है, राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, हम इंस्पेक्शन करके हम लोग बताना, तो इसमें पहले क्या बता रहा है, कॉस 2x, ठीक है, कॉस 2x, तो अब कॉस 2x किसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव कौन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन का साइन नहीं यूज करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर साइन 2x का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं,
तो इसको आप कैसे करते हैं, साइन 2x को चेन रूल लगाएंगे 2x के रेस्पेक्ट में, फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x का हो गया cos 2x, और इधर 2 बाहर और dx by dx 1 हो जाएगा, तो मतलब 2 cos 2x, इसका cos 2x, इसका क्या हो जाएगा 2 बाहर dx by dx 1, तो ये 2, 2 इधर आके क्या हो जाएगा cos 2x, 2 cos 2x, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए इसमें, अब इसको कैसे लिखा जाए, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए एक चीज़ और मैं करता हूँ, मैं 1/2 को इधर ले आता हूँ, 1/2, क्योंकि हमको एंटी डेरिवेटिव बताना, 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन 2x कॉस 2x, या इसी को मैं लिख सकता हूँ, या इसी को मैं लिख सकता हूँ, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, 2 को यहाँ डाल दिया, इजिकल्स टू कॉस 2x, ठीक है। समझ आया कि नहीं समझ आया, समझ आ रहा है, तो हम लोग कॉस 2x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x बराबर ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x बाई 2, इसी चीज़ को मैंने फिर से लिख दिया है। तो cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है, sin 2x बाई 2 का डिफरेंशिएशन है cos 2x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, therefore एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x बराबर sin 2x बाई 2, बात खत्म, sin 2x बाई 2, समझ आया। cos 2x का क्या बताना था, एंटी डेरिवेटिव, मतलब वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos 2x इसका डिफरेंशिएशन है, आपने क्या निकाला, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x बाई 2। सिमिलरली ये इंस्पेक्शन मेथड है, हमने सोचा कि किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखिए सिमिलरली हम लोग एक काम और करते हैं, तो हम लोग क्या किया जाए, सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सॉरी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 1/2 क्या है, 3x² + 4x³, ठीक। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं, फिर हमने ये सोचा कि अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें d बाई डी एक्स किसका, x³ + x⁴ का डेरिवेटिव निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² + 4x³, 3x² + 4x³, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे therefore एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ + x⁴, समझ गए, बात समझ आई। एंटी डेरिवेटिव हमको इसका बताना था, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, इसका देखिए, इसका एक चीज मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं ऐसा, ये क्या बता रहा है, डेरिवेटिव, ठीक है। अब दूसरा कलर यूज किया जाए, अब देखिए अगर मैं आपको इधर से इधर लाऊं, इधर से इधर जाने में डेरिवेटिव है, तो इधर से इधर आने में क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x³ + x⁴ इज 3x² + 4x³, जो कि हमको बोलना नहीं, इससे हमको मतलब नहीं, हमको क्या बोलना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4x³ इज इक्वल टू x³ + x⁴, इसको आप लोग
ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, एग्जाम्पल टू देखते हैं हम लोग, इसी पे पूरा एक्सरसाइज बनेगा। ऐसा वाला जो एंटी डेरिवेटिव ऐसे ही बनेगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है आपको। अब आप देखिए एग्जाम्पल टू, तो एग्जाम्पल टू में क्या निकालना है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल निकालना है आपको इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ टू का वन, ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। वाह, अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए आप लिखिए इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को दोनों के पास भेज दीजिए, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरे का डी एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ये ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर माइनस टू डी एक्स। अब इसको तोड़िए, एक प्रॉपर्टी बताया था, तो एक्स डी एक्स माइनस एक्स का पावर माइनस टू डी एक्स। अब यहाँ मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, यूजिंग एक्स का पावर एन, इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स बराबर एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये लगाइए आप यहाँ पे। तो एक्स का पावर यहाँ वन है तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, माइनस एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, ये फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स का पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन माइनस वन प्लस हो जाएगा। अच्छा हाँ, जब इंटीग्रेशन आप कर देते हैं तो प्लस सी लगा देते हैं, दोनों के बदले एक सी आप लगा सकते हैं, एक सी दोनों के बदले, या इसका एक सी वन आया इसका एक सी टू आया, दोनों इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट आएगा सी वन सी टू, सी वन सी टू मिलकर सी होगा, सी कोई भी कॉन्स्टेंट है, इसमें कुछ वो नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई टू ये माइनस माइनस प्लस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, अब एक्स का पावर माइनस वन नीचे आएगा तो वन बाई एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें एक्सरसाइज पूरा ऐसे ही बनेगा, समझ आ गया। अब एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री का वन ले लेते हैं, इसमें भी इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स का करेंगे डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का करेंगे डी एक्स। तो अब आपको क्या देखना है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छा ये फॉर्मूला रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, या इसी को सजा के कैसे लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये कैसे आया है, ये तो खैर फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि ये कैसे आया। तब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कौन है, तो माइनस कॉस एक्स, तो यहां माइनस कॉस एक्स लिखा है। कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का। फिर प्लस सी कॉन्स्टेंट क्यों ऐड करते हैं वो भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ओके। अब एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल फोर, उसको भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट बन जाएगा इससे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा डाउट रहेगा आप लोग पूछ लेंगे। एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर पढ़ रहा हूँ, क्या बोलता है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाई स्मॉल एफ बराबर 4x³ - 6, ठीक है, वेयर वेयर एफ 0 = 3, ठीक है। अब देखिए एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है, तो आप सोचिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो ये हो सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ
x का पावर 4 लेके चलते हैं माइनस 6x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो x का पावर 4 का क्या हो गया, 4x³ माइनस 6x का 6 हो जाएगा, 6 बाहर, dx/dx 1, तो ये हो सकता है, ठीक। और ऑल्सो ये भी हो सकता है, dx⁴ माइनस 6x प्लस सी, सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है dx, ये भी क्या आएगा, 4x³ माइनस 6 आएगा ये भी। तो हम लोग ये नहीं लेके ये लेते हैं, ये समझा चुका मैं आपको कांस्टेंट लेने के इसमें, ठीक है। देयरफोर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ये ऐसा लिखते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कौन सा फंक्शन है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ये इसका एंटी डेरिवेटिव 4x³ माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fx बराबर, अच्छा इसी को लिखते हैं, 4x³ माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल्स टू x⁴ माइनस 6x प्लस सी, और इसी को हम इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, क्या क्वेश्चन में बोला है एंटी डेरिवेटिव को क्या लेना है आपको, कैपिटल fx लेना है, ठीक है। तो अब आपको मिल गया कैपिटल fx बराबर x⁴ माइनस 6x प्लस सी। तो अब f0 बराबर क्या बोला था इसने, f0 बराबर 3, तो इसमें x के जगह पे 0 रख दीजिए, तो 0⁴ माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी बराबर 3, तो ये 0 तो यहां से आपको क्या मिल गया, सी बराबर 3, ठीक है। देयरफोर कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफोर रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव fx, ये fx है बराबर x⁴ माइनस 6x प्लस 3, एग्जैक्ट मिल गया आपको ये 3 कहां से है, c की वैल्यू आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं आप लोग को, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर से मैं आप लोग को बता देता हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन fx dx बराबर मान लीजिए क्या दिया है, या कुछ एग्जांपल ही लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन 2x dx बराबर x² प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमको जब 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो हमको ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, x² प्लस सी का, मतलब आपको ये बताना है कि ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, ये किसका एंटी डेरिवेटिव, भाई डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस सी x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2x। अब देखिए मैं इससे क्या लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस सी बराबर 2x। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x बराबर x² प्लस सी, या इसी को मैं और दूसरे तरीके से लिखता हूं, तीसरे तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बराबर x² प्लस सी। तो एंटी डेरिवेटिव क्या बताता है, इंटीग्रेशन बताता है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी। अब कुछ पॉइंट दे देता है, वो आप लोग को याद रखने का है, जैसे जो किसी का डिफरेंशिएशन है, जो किसी का डिफरेंशिएशन है उसी का आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे
2x इसका डिफरेंशिएशन है, तो आप 2x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप, ये बात मेरी याद रखेंगे आप लोग, हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आप इंटीग्रेशन निकाल ही लें, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या जरूरी है कि वो किसी का डिफरेंशिएशन हो, तभी तो एंटी डेरिवेटिव वाला प्रोसेस जाएगा। तो डेरिवेटिव रहेगा तभी एंटी डेरिवेटिव निकलेगा, डेरिवेटिव रहेगा तभी उसका इंटीग्रेशन निकलेगा, ठीक है। मतलब फंक्शन का नहीं यार, मतलब ये है कि 2x का यहाँ पे आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि 2x इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। अब जो पता ही नहीं है कि किसका डिफरेंशिएशन है, या एक चीज़ और समझें कि जो फंक्शन किसी का भी डेरिवेटिव नहीं हो, अगर 2x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता, 2x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आप नहीं निकाल पाते भाई, क्योंकि इसका, ये किसी का डेरिवेटिव ही नहीं है, तो एंटी डेरिवेटिव कहाँ से निकालेंगे। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए कि अगर वो किसी का फंक्शन जो, जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, वो किसी का डिफरेंशिएशन है, तभी आप उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। फिर से बोल दूं, 2x x स्क्वायर प्लस c का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए आप 2x का एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, या इसीलिए आप 2x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 2x तो डिफरेंशिएशन है, इसका आपको पता है। अगर मान लीजिए इफ 2x इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, इफ 2x इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, देन वी कैन नॉट फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x, या देन वी कैन नॉट फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन आप तभी निकाल सकते हैं जब वो किसी का डिफरेंशिएशन हो, तो 2x इसका डिफरेंशिएशन है, तब आप निकाल पा रहे हैं। अगर 2x किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, तो आप उसका इंटीग्रेशन, उसका एंटी डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये देखिए, ये रहा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, ये रहा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, और ये रहा यहां तक जो पहुंचना है, ये इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो ये बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है, इसमें चीजें नहीं मिली हैं, वो आप लोगों को समझना है। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, जिनको कुछ डाउट होगा वो उन लोग पूछेंगे मेरे से, डाउट उन लोग क्लियर करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में, अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग का स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, तीन मेथड से हम लोग करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी है वो तीनों मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।